शासन सत्ता के लाख दबाव के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार अर्चना सिंह और उनके भाइयों पर दबाव बनाते जिला शासन प्रशासन के लोग। जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण, आत्मरक्षा व स्वावलंबी बनाने के पीएमसीएम के सपनों को दरकिनार करते हुए दर्ज कर ली गई थी 2-4 साल पुराने वीडियो पर हर्ष फाइलिंग की FIR। खबर सुल्तानपुर से है, जहां इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में ही भाजपा चारों खाने चित हो गई है। यहां जिला पंचायत सदस्य की 45 में से 45 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन भाजपा दहाई का अंक नहीं पार कर पाई। हद तो ये हो गई कि मेनका गांधी का दाहिना हाथ कहे जाने वाली वार्ड 29 की प्रत्याशी बबीता तिवारी तमाम हथकंडे अपना करके भी शिकस्त खा गई। बताते चले कि जिले में सबसे अधिक 15 निर्दलीय उम्मीदवारों ने मैदान माना है। सपा ने 7, बसपा ने 4, भाजपा ने 2, कांग्रेस ने 3, निषाद पार्टी 3, आप ने 2, AIMIM ने 2 और भाजपा ने 1 प्रत्याशी जीता है। सुल्तानपुर में जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी की लड़ाई भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और बाहुबली भाई पूर्व विधायक व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुल्तानपुर चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह की बहन अर्चना सिंह के बीच है। सुल्तानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी चुकी सामान्य महिला है, इसीलिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और बाहुबली भाइयों सोनू सिंह और मोनू सिंह की बहन अर्चना सिंह के बीच है। सुल्तानपुर से बाहुबली भाइयों पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह का दबदबा यहां कायम है। मेनका गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह ने दी थी और मेनका गांधी मात्र लगभग 15,000 वोटों से किसी तरह जीत पाई थी, जो कि एक केंद्रीय मंत्री व गांधी टाइटल के होने के बाद जो ग्राफ पिछला देखने को मिला था, जिसमें मेनका गांधी जी 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतती थी, वो सुल्तानपुर आकर दहाई में सिमट गई। और अगर वरुण गांधी लड़े होते तो चुनाव हार जाते, इसीलिए मेनका गांधी को सुल्तानपुर आना पड़ा। सुल्तानपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह पत्नी शिव कुमार सिंह, जो कि इसके पहले भी अध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं, तो वह दोबारा इस पद पर पुनः बने रहने का पूरा प्रयास करेंगी, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा का सम्मान वो एक बार ले चुकी हैं, इसीलिए वह दोबारा उस पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। लेकिन बाहुबली भाई पूर्व विधायक व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुल्तानपुर चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह ने अपनी बहन अर्चना सिंह को, जो कि इसके पहले उन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा था और राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, अब जब सोनू सिंह और मोनू सिंह ने अपनी बहन को राजनीति में उतारा है, क्योंकि सुल्तानपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी सामान्य महिला की है और उसी को देखते हुए राजनीति में इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 24 से चुनाव मैदान में उतारा और वो भारी मतों से चुनाव में जीत हासिल की। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनू सिंह और मोनू सिंह ने खूब सोच समझ कर राजनीति में उतारा है। सुल्तानपुर में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या सबसे अधिक 15 है और सूत्रों की माने तो निर्दलियों ने, या यूं कहें कि सभी ने, इस चुनाव में रुपए खर्च खूब किए हैं, तो निश्चित तौर पर वे उसी के साथ जाना चाहेंगे जो उनकी बोली, या यूं कहें कि जो जितना ज़्यादा रुपए देगा वे उसी के साथ जाना पसंद भी करेंगे, क्योंकि पिछले बार का जो रेट था वो तकरीबन 50 लाख का पैकेज था, जिसमें एक बुलेरो गाड़ी भी शामिल थी और ये अंदर खाने की बात थी जो कि गुप्त रूप से संपादित की गई थी। बताते चले कि चुनाव से लेकर अभी तक जिला शासन प्रशासन ने इन बाहुबली भाइयों को व इनके बहन अर्चना सिंह पर किसी न किसी तरीके से दबाव बनाकर मैदान से हटाना चाहते हैं, जिसके क्रम में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू पर गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए उनको बैकफुट पर ला दिया है, जिसके संदर्भ में आज यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में यशभद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अपने पैतृक निवास ग्राम मायंग से किया, जिसमें उन्होंने जिले की भाजपा नेताओं और पदाधिकारीगणों के द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया और दबी जुबान से जिले के सांसद और विधायकों के ऊपर मढ़ा और बताया कि चुनाव से लेकर अभी तक हमारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य किया जा रहा है
और तो और दो वर्ष पुराने वीडियो को ढाल बनाकर मेरी बहन के खिलाफ हर्ष फायरिंग के मामले को दिखाकर दो वर्ष पुराने वीडियो के मामले में FIR दर्ज करके मुलजिम बना दिया जाता है। महज इसीलिए कि सत्ता पक्ष के लोग अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो सके, जिसमें भाजपा के खेमे सभी लोग शामिल हैं और हम सब पर मुकदमा दर्ज कर दबाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप भी लगाया। तो वहीं आज पहली बार पत्रकार वार्ता में श्रीमती अर्चना सिंह ने भी सहभाग किया और अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर व उनके सशक्तिकरण कार्य करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम पर मुकदमे दर्ज कर रही है। हम राजपूत हैं, हमारे यहाँ देश की सेवा के लिए जहाँ हम राजपूत लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं और यह परंपरा अभी तक जारी है, लेकिन सुल्तानपुर में इस अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और महिलाओं को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दबाया जा रहा है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। मैं तो यही जानती हूँ कि आत्मसम्मान और रक्षा का हर महिला को अधिकार है, और मैं भी महिला होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, उनको सबको जो भी है वो चलाना आना चाहिए, जो भी जिसके पास भी जो भी हथियार है सबको अपनी रक्षा का वो है और सबको चलाना आना चाहिए। मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग महिलाओं के लिए खासतौर पर आत्मरक्षा का वो करिए, आप लोग भी बताइए सबको जाके, सबको अधिकार है और मैं चाहती हूँ सब लोग उसको प्रमोट करें। जिस प्रकार जिस तरह से प्रशासन हमारा उत्पीड़न लगातार कर रहा है, उसी उद्देश्य से आज हम अपनी बात रखने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किए हैं और वही चीज़ हम आपसे बताना चाहते हैं। क्या मामला हुआ? विगत जिस दिन से काउंटिंग हुई है उसी की बात से लगातार हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समर्थकों पर जिस तरह से यहाँ के प्रशासन ज्यादती कर रहा है आप लोग भी देख रहे हैं। पिछले मई में 8 मई को हमारी सुल्तानपुर शहर में तलाशी हुई, कुछ भी मिला नहीं। पूरी अमहर चौराहे पे तलाशी हुई, वहाँ जब कुछ नहीं मिला तो कोतवाली लेके आए। यहाँ जो भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, काफ़ी लोग उस दिन में कोतवाली में भी थे, सबके आगे तलाशी हुई लेकिन मिला कहीं कुछ नहीं। उसके बाद भी हमारा चलान हुआ, हमारी जमानत हुई, फिर अभी कल हमको फिर रोक लिया गया, फिर हमारी तलाशी की गई। आखिर ये चाहते क्या हैं? इसी तरह से चुनाव होता रहा इसके पहले इस जनपद में? किसके इशारे पे ये हो रहा? शासन सत्ता के इशारे पे, यहाँ के जो विधायक और सांसद वही करवा रहे हैं। कौन लड़ रहा है आपके घर से? हम अपनी बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल होता है जिसपे आज मुकदमा लिखा जाता है, सर वो क्या वजह है या क्या मामला है? वो जो वीडियो वायरल होता है, वीडियो वो सही है, उसमें हम नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन ये वीडियो 2018 का है और शासन ने 2019 से संज्ञान में लेना शुरू किया है। जो ये फायरिंग वाला मामला है शादी में हर्ष फायरिंग का, इसको शासन ने 2019 से लेना शुरू किया है और वो हर्ष फायरिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, वो किनारे खड़ी होकर दगा रही है, और आप लोगों की भी शादी हुई होगी, पुलिस वालों की भी शादी होगी, जब दुल्हन घर पे आती है तो सबके यहाँ गोले तमाशे दगते हैं। कोई बता दे कि जिसकी शादी उसकी दुल्हन घर पे आई वहाँ गोला न दगाया गया हो? ना वहाँ डांस हो रहा है, ना वहाँ जयमाल हो रही है, एक किनारे खड़े होकर फायर कर रही हैं। कि कौन से ये हर्ष फायरिंग है, किस में आता है ये? नहीं, इस समय वो काफी वर्षों से मान लीजिए सोशल मीडिया पे वायरल था, तो इस समय FIR करना क्या उचित? यही तो परेशान किया जा रहा है हमको, ये हमारे ऊपर में FIR करके परेशान कर रहे हैं। आप लोग भी अभी 15 दिन के पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ रहा होगा, इन्हीं के लोगों ने बना के एक लड़की का वीडियो डाला था फेसबुक पे, बहुत सारे जिले के बड़े बड़े सम्राट लोग उस पर कमेंट भी किया कि इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ आप सबको पता है, उसमें उषा सिंह की फोटो साफ साफ दिख रही है, उनकी गाड़ी से उनके लोगों ने वीडियो बना के फेसबुक पे डाला है। इससे गंदा हटिया काम कुछ और कर सकते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, कुछ चर्चाएं इस तरह भी हैं कि अध्यक्ष का चुनाव को लेकर ये पुराने वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, या है तो मामला वही चुनाव को ही लेके है, उसमें कोई नई चीज नहीं। उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।
हम भी एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उसकी उसकी एफआईआर होगी। इन्होंने अपनी बहन से शादी की है, धारा 153A के तहत इनके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हिंदू मैरिज एक्ट में कानून का उल्लंघन है, जो अपनी बहन से शादी किए हैं, इसकी एफआईआर होगी। माननीय कप्तान साहब से पूछिएगा आप लोग भी क्या करेंगे इसकी एफआईआर, उसकी एफआईआर की जिस लड़की के लोग वीडियो बना के फेसबुक पे डाला था, वो तो साफ तौर पर कहेंगे कि कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई। इसकी कौन शिकायत किया, पुलिस खुद आई हुई है इसमें, वो सारी एफआईआर करता खुद पुलिस है। 14 तारीख को रात्रि में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, थाना पंजीकृत, उसमें जो एक महिला है जिनका नाम अर्चना सिंह है, जो वो मायन की रहने वाले हैं, उनके द्वारा फायरिंग की जा रही है। दो वीडियो हैं, दोनों वीडियो में अलग अलग असरों से फायरिंग की जा रही है। इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है धारा 5/27/30 आर्म्स एक्ट में और 188 IPC के उसमें, और मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर अर्चना सिंह सर कौन है ये कुछ? अर्चना सिंह माइंग के इंद्रप्रदेश सिंह जो स्वर्गीय इंद्रप्रदेश सिंह है उनकी पुत्री है, और ये पूर्व में वहाँ पे पॉलिटिकल हो रहे हैं। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।